गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी, रिमझिम हिंदी फर्स्ट है आपका। और यहाँ पे आज हम जो है हिंदी फर्स्ट में दोस्त की पोशाक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और उसी के जो है अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। तो पार्ट आपका 5 था दोस्त की पोशाक। तो सभी बच्चे जो है अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए, ठीक है ना। और यहाँ पे पेज नंबर 38 पहले अपनी पुस्तक निकाल के और पेज नंबर जो है 38 इसको खोलिए। तो ये दोस्त की पोशाक, ठीक है ना। तो ये पाठ हमने पढ़ा था बच्चों। और यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि पेज नंबर 38 आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पे पढ़ा था कि कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, काफ़ी में उनके उत्तर लिखो। तो बहुत सुंदर जो है क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए थे बच्चों, ठीक है ना। जितने मैंने क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, तो बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन बनाए थे। तो ये प्रश्न उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं कुछ कारणवश, तो ये उनके लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ प्रश्न बनाए। नसुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? जमाल साहब। तो इस तरीके से आपने क्या है बुक में क्वेश्चन बनाने हैं और जो है कॉपी पे इसको क्वेश्चन आंसर दोनों ही आपको करने हैं। तो नसुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ? जमाल साहब जो उनके दोस्त थे। तो आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो आपको इसके, ठीक है ना, ऑनलाइन में सभी बच्चों ने इसके बहुत सुंदर जो है आंसर दिए थे। जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना किया? फिर है नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा और जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? तो 5 प्रश्न हमको बनाने थे और साथ में इसको कॉपी पे हमको करना था। तो सभी बच्चों को उसको करना है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे तुम्हारी बात, नसरुद्दीन और जमाल साहब बंठन कर घूमने के लिए निकले, ठीक है ना। जो नसरुद्दीन और जमाल साहब को आपने देखा कि उनकी अचकन पहन के, नसरुद्दीन की अचकन पहन के जमाल साहब और दोनों के दोनों बंठन के घूमने के लिए निकले। का, इसमें का आप देख रहे हैं, तुम बंठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? आप लोग भी क्या करते होंगे, कभी कभी तैयार होके कहीं जाते होंगे, तो कहाँ आप जाते हैं आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे हम बंठन के कभी क्या है मेले में जाते हैं या शादी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, ठीक है ना, किसी का जन्मदिन है, मतलब इस तरीके से आप कहाँ ऐसे बंठन के आप जाते हैं। ख देखिए, इसमें तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। तो जैसे क्या है, जमाल साहब ने अचकन पहन के, बिल्कुल एकदम भड़कीली अचकन पहन के वो बंठन के निकले। तो आप लोग क्या ऐसा पहनते हो? तो लड़कियां जैसे लहंगा पहन के खूब अच्छी बंठन के वो जाते हैं, है ना। तो लड़के जो हैं कोट पैंट पहन के, तो आप बताएंगे आप किस तरीके से, आपको पता होगा कि आप किस तरीके से बंठन के जाते हैं। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तुम्हारी समझ से का, तीसरे मकान से बाहर निकल कर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? फिर है खा, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? और फिर इसमें लास्ट देखिए, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? आपने पाठ में पढ़ा। तो इतने प्रश्न आज हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके दिए हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ गलत हो गया था। तो दोस्त की पोशाक है तुम्हारी समझ। तो तीसरे मकान से बाहर निकल कर जमाल साहब जो है कहाँ गए होंगे, ठीक है। तो जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया, ठीक है ना। जब वो तीसरे मकान से बाहर निकल कर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा, ठीक है ना। तो उनको उन्होंने क्या बोला था कि जब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम अचकन के बारे में कुछ नहीं कहोगे, तो फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया। खा देखे, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में क्यों जो है घूमने जाना नहीं चाहते थे। तो जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमने, तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते थे।
और फिर देखिए मैं लास्ट जो है नशुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताती हूँ, तो मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि दोस्त किस तरीके के होते हैं, आपको पता है ना। तो नशुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, आपके जो फ्रेंड सर्कल जो होगा तो उनमें भी कुछ बच्चे क्या होते हैं एकदम सीरियस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं थोड़ा मजाकिया टाइप के होते हैं, फ़नी टाइप के होते हैं ना। तो नशुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, वे अपने दोस्त से मजाक क्या कर रहे थे, अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे, मतलब हमें ऐसा लगता है इसीलिए वो, नहीं तो अपने दोस्त की जो है बेइज्जती इंसल्ट कोई नहीं करता ना, है ना। तो इसीलिए वो अपनी अचकन के बारे में बता रहे होंगे, क्योंकि वे क्या थे, बहुत फ़नी टाइप के थे, बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे। ओके, तो इनको आज आप अपनी कॉपी भी करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप बुक से उतार सकते हैं और यहाँ से आंसर आप ले सकते हैं।